वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाहे अकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शंस क्या होते हैं, पहले आपको बता दूं कंजक्शंस है क्या। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, या सेंटेंस या वर्ड या सेंटेंस को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। इसको सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है, सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं कंजक्शंस को। जी हाँ, अगर इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखें तो ये होती है, कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर, इट्स कॉल्ड कंजक्शंस। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड और सेंटेंस टुगेदर। जी हाँ, तो इसमें आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे आप देखें ही इज ऑनेस्ट एंड शी इज इंटेलिजेंट, He is honest and she is intelligent. तो end जो आपका है ना end, ये आपका conjunction कहलाती है। दो sentence को आपस में जोड़ रहा है, इसको कहेंगे आपका conjunctions कहते हैं। तो आपका जैसे इसमें और भी मैं आपको sentence में थोड़ा example दे देता हूँ, जैसे three and three make six, three and three make six, तो आपका end यहाँ पे आ गया। जैसे I shall either read or write a book, I shall read either a book और राइट अ बुक, मतलब आई शैल ईदर रीड और राइट अ बुक। तो आपका जो ईदर एंड जो और है वो आपका कंजक्शन कहलाता है। काइंड्स ऑफ कंजक्शन, तो आपके तीन तरह के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। जी हाँ, पहला होता है आपका कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, दूसरा आपको होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और तीसरा आपको होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो आई मैं आपको बता दूं, पहला टाइप आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जी हाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कंजक्शन दो समान रैंक के सेंटेंस या वर्ड को जोड़ते हैं, मतलब एक जैसे रैंक एक जैसे समान सेंटेंस या वर्ड दोनों को जोड़ते हैं। इसमें आपके जो मेनली जो कंजक्शन होते हैं वो आपके होते हैं फॉर एंड नॉर वट और येट सो। जी हाँ, क्या होते हैं, फॉर एंड नॉर वट और येट शो। आप इनको एक अलग, इसके एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, इसकी ट्रिक है फैन वॉइस, FAN फैन VBOYS वॉइस, F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। तो इसकी ये ट्रिक थी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को याद करने की। अब आपके आते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। इन कंजक्शन द्वारा आपको क्या होता है, एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज को अन्य क्लाउज से जोड़ा जाता है। जी हाँ, एक कंजक्शन को आपके एक सब ऑर्डिनेट क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ने के लिए हम सब ऑर्डिनेट क्लाउज जो आपको इसका यूज करते हैं। ये क्या करता है आपका एक में, मतलब इसका सब ऑर्डिनेट होते क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ होते क्या। इसमें क्या होता है, मतलब एक का अपना पूरा पूर्ण अर्थ होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो क्लाउज दूसरे क्लाउज पर भी डिपेंड करे, तो उसको क्या कहते हैं, आपका सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। जैसे सपोज करो कि जैसे मैं कह दूं, अरे यार वो आ जाता बाइक लेके तो मैं चला जाता, अगर वो आ जाता तो मैं बाइक लेकर चला जाता, तो ये एक दूसरे, पहला तो कंप्लीट है अगर वो आ जाता, फिर दूसरा अब मैं बाइक लेकर चला जाता, ये उसको सबऑर्डिनेट उसको एक साथ जोड़ रहा है, तो इसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। मेनली आपके जो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं वो आपके होते हैं आफ्टर, एल्दो, एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ, इफ ओनली, नाउ दैट, वंस, रेदर देन, सिंस, सो दैट, देन, दैट, दो, टिल, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयर एज, व्हेनेवर, व्हाइल। जी हाँ, तो ये आपके सभी क्या है, टोटल सब ऑर्डिनेट क्लाउज होते हैं। एक बार और बोल देता हूँ, आफ्टर, ऑल्दो, एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ, इफ ओनली, इन ऑर्डर दैट, नाउ दैट, वंस, रेदर देन, सिंस, सो दैट, देन, दैट, दो, टिल, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयर एज, व्हेनेवर, व्हाइल। इन सभी में आपको अलग अलग एक एक वीडियो बनाकर दूंगा, अभी हेल्प लाइन में इतना समय लेंगे, ये सब आपके सब ऑर्डिनेट क्लाउड होते हैं। आपको बता दूं इसमें कुछ आईएमपी बात जो है, आपके जो सब ऑर्डिनेट क्लाउड जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं आपके, कुछ आपके ये पर प्रीपोजिशन की तरह ही वर्क करते हैं, जैसे आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये आपके प्रीपोजिशन भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके आखिरी हम लास्ट पे कोरिलेशन कंजक्शन। जी हाँ, कोरिलेशन कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे कंजक्शन जो पेयर में यूज किए जाते हैं, जोड़े में यूज किए जाते हैं,
जो जोड़े में यूज किए जाते हैं, पेयर में यूज किए जाते हैं, उनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। जैसे इधर और, इधर डैश 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 और। मैं डैश 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 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इधर का यूज एक सेंटेंस में होगा और का यूज दूसरे सेंटेंस में होगा। वैसे नीदर नॉर, नीदर डैश 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 नॉर, एक सेंटेंस में नीदर का यूज होगा, दूसरे सेंटेंस में नॉर का यूज होगा। बोथ डैश डैश एंड और आपका नॉट ओनली डैश डैश व्हाट आल्सो, इस तरह के आपके कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। इसी के साथ आपके टाइप ऑफ कंजक्शन या काइंड ऑफ कंजक्शन आपके फिनिश होते हैं। सो गाइस, होप यू आपको समझ में आ गए कंजक्शन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियो किस तरीके से लगा और आपको क्या क्या समझना है, क्या क्या नीड है, मैं आपको उसमें वीडियो बना कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।